Keep learning, keep growing, keep watching. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सेल प्रोडक्शन, यानी कि एक्सेल प्रोडक्शन के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। बट इसको डिस्कस करने से पहले हम लास्ट लेक्चर का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार टारगेट मटेरियल पर टकराते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, जिनके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट था हमारा आउटर शेल एक्साइटेशन इन आउटर शेल, यानी कि आउटर शेल के अंदर एक्साइटेशन किस प्रकार होता है। आउटर शेल में एक्साइटेशन से हमारे को हीट का हीट अपीयर होती है, आयनाइजेशन ऑफ द आउटर शेल, और आउटर शेल में आयनाइजेशन से भी हमें हीट मिली थी, आयनाइजेशन इन इनर शेल। इनर शेल के अंदर आयनाइजेशन करने से हमें हीट के साथ साथ हमें एक्सरेज भी मिली थी, और जो एक्सरेज मिली थी हमें वो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहलाती हैं, और इन करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का यूज डायग्नोस के लिए किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरेक्शन विथ न्यूक्लियर फील्ड, कि न्यूक्लियर फील्ड के साथ इंटरेक्शन होने पर इलेक्ट्रॉन का क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसके थ्रू हमें मिलता है कंटिन्यूस एक्सरेज या ब्रमस्टेलिंग एक्सरेज, जो कि रेडियोथेरेपी के लिए यूज किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to maximum हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे टकराते हैं। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एनोड या टारगेट मटेरियल पे जाके टकराते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट और एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाती है, और जो एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है उसके प्रोसेस के अंदर 99% हीट का प्रोडक्शन होता है और 1% एक्सरेज निकलती है। तो अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन, कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए किन किन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम जैसे कोई भी अपराटस बनाएं जिसमें हमें एक्सरेज का प्रोडक्शन करना है, तो हमें किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज नीड्स द फॉलोइंग, हमें एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए निम्न की जरूरत होती है। पहला आता है इलेक्ट्रॉन सोर्स, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन, जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो काम करता है कैथोड का। एक्सरे प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो एक्सरेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सोर्स की नीड होगी, और इलेक्ट्रॉन सोर्स यहाँ पर काम आएगा कैथोड। दूसरा टारगेट, अब जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे जाके टकराएंगे, किसी टारगेट मटेरियल पे जाके टकराएंगे, तो उसके लिए टारगेट की नीड होगी, और यहाँ पर टारगेट बना होगा एनोड का, जो टारगेट का काम करेगा इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने का काम करेगा। अब बात करते हैं हम थर्ड, हाई वोल्टेज सप्लाई। हाई वोल्टेज सप्लाई, अब जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले हैं वो टारगेट तक पहुंच सके, उनको इतना काइनेटिक एनर्जी हो या फिर उनका इतना वेलोसिटी हो जो वो टारगेट मटेरियल तक टकरा सके, इसके लिए हम हाई वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करती है हाई वेलोसिटी के अंदर, जिससे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलकर टारगेट तक पहुंचते हैं और उनसे टकराते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्यूम की, हमें वैक्यूम की जरूरत होगी, क्योंकि वैक्यूम मींस वैक्यूम का काम होता है फर्दर आयनाइजेशन को रोकना, यानी कि जो भी एटम्स वैक्यूम, जो भी ट्यूब के अंदर एटम्स के अंदर अगर आयनाइजेशन हो रहा है उसको ये रोकता है। ट्यूब इंसर्ट एंड हाउसिंग, ट्यूब इंसर्ट और हाउसिंग होती है ट्यूब के चारों तरफ, क्या प्रोटेक्शन, क्या फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए हमने लगाया है, क्या इक्विपमेंट्स लगाए हैं वो। और अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट, ग्लास एनवलप। ग्लास एनवलप एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर ये सारे इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स, टारगेट, हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाती है उसके अंदर, और वैक्यूम होता है, ये सब ग्लास एनवलप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वो दो तरह के प्रिंसिपल्स पर प्रोड्यूस होते हैं, पहला होता है आयनाइजेशन और दूसरा होता है थर्मोनिक्लिनेशन। आयनाइजेशन मतलब कि आयंस में कन्वर्ट होना, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होना, और थर्मोनिक इमिशन होता है जब भी किसी मेटल सरफेस को हम हीट देते हैं तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है, और आयनाइजेशन के अंदर एटम से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रोड्यूस आइदर बाय आयनाइजेशन इन गैस और थर्मोनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो थर्मोनिक इमिशन और आयनाइजेशन के प्रिंसिपल से होता है।
द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड. दिस वोल्टेज एक्सेलेरेट द इलेक्ट्रॉन्स टू ए हाई वेलोसिटी. एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. अब जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले हैं, एमिट हुए हैं, वो टारगेट मटेरियल पर टकराएंगे. इसके लिए उनको हाई वोल्टेज सप्लाई देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन्स टारगेट मटेरियल तक पहुंच सके. तो हाई अब कैथोड और एनोड के बीच में हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी देगा, हाई वेलोसिटी में हाई वेलोसिटी देगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड तक पहुंच सके. एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. और जैसे ही इनकी वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से इंटरलिंक्ड है. वेन द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय टारगेट मटेरियल. अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले हैं वो टारगेट मटेरियल पर जाकर टकराएंगे, वहां पर रुकेंगे. द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एंड एक्सरेज. और जो भी इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हीट और एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अब हम बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर की हमें एक्सरेज मिलेंगी. तो ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर की एक्सरेज पाने के लिए हमारे को ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमें हाई पेनेट्रेटिंग पावर की एक्सरेज मिलेंगी. अब हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब्स, यानी कि कौन कौन सी ट्यूब्स आज अभी तक आई हैं, स्टार्टिंग के अंदर कौन सी गेस्ट कौन सी ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, आज प्रेजेंट टाइम में कौन सी ट्यूब्स यूज़ की जाती है. तो स्टार्टिंग के अंदर जो ट्यूब यूज़ की जाती थी उसका नाम था गैस ट्यूब्स. हम हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब्स का स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी गैस ट्यूब्स आई थी उनमें स्टार्टिंग के अंदर कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जिसके कारण नई एक्सरे ट्यूब्स आई और ऐसे आती गई खूब सारी एक्सरे ट्यूब्स. और अभी प्रेजेंट टाइम में जो एक्सरे ट्यूब्स चल रही हैं उनके अंदर कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, इसलिए वो बेटर वर्क कर रही हैं. तो हम बात करेंगे सबसे पहले गैस ट्यूब के बारे में. जो सबसे पहले जो एक्सरे ट्यूब या फिर जो अपराटस यूज़ किया जाता था एक्सरे प्रोडक्शन के लिए वो था गैस ट्यूब. अब इसका नाम गैस ट्यूब है तो इसका नाम गैस ट्यूब क्यों है ये हम इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर पता करते हैं. कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो भी इक्विपमेंट्स जो हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन सोर्स, टारगेट, हाई वोल्टेज, वैक्यूम, ग्लास एनवलप, ये सब तो इसके अंदर यूज होंगे ही. बट क्या इसके अंदर यूज होगा क्या नहीं होगा वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं. इन द बिगिनिंग गैस फिल्ड ट्यूब्स वर यूज टू प्रोड्यूस एक्सरेज. शुरुआत के अंदर जो भी गैस ट्यूब जो एक्सरे प्रोडक्शन के लिए जो ट्यूब्स यूज की जाती थी उनके अंदर गैस हुआ करती थी, यानी गैस प्रेजेंट हुआ करती थी. दीज ट्यूब्स कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स. ये जो ट्यूब होती है एक्सरे प्रोडक्शन की इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज कैथोड एंड अनदर इज एनोड. एक कैथोड होता है दूसरा एनोड होता है. एंड कीप्ड इन द सील ग्लास एनवलप एट द अपोजिट एंड. होता क्या है, ग्लास एनवलप के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं कैथोड और एनोड, जो कि एक दूसरे के अपोजिट एंड में एंड पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स निकलकर टारगेट मटेरियल पर टकरा सकें. द कैथोड हैव एल्यूमिनियम स्टेम कैरिंग ए कॉनकेव एल्यूमिनियम डिस्क. और जो कैथोड होता है उसकी वो एल्यूमिनियम की स्टेम से बना होता है जिसके ऊपर एक कॉनकेव की एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती है. द एनोड और टारगेट इज टंगस्टन और प्लेटिनम पैक्ड विद कॉपर. जो एनोड होता है या टारगेट होता है वो टंगस्टन और प्लेटिनम का बना होता है और वो कॉपर के ऊपर पैक्ड होता है. यानी कि एक कॉपर का कॉपर ब्लॉक होता है जिसके ऊपर टंगस्टन और एल्यूमिनियम की लेयरिंग या प्रेजेंट होती है जिसको हम टारगेट बोलते हैं. अब यहाँ पर कॉपर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि टंगस्टन की क्या होती है जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि आपको पता है एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर 99% हीट निकलती है और 1% एक्सरे निकलती है. तो हीट को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर कॉपर ब्लॉक का यूज़ किया है, क्योंकि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है इसलिए ये यूज किया गया है. द रेडियस ऑफ कॉन्केविटी ऑफ कैथोड इज सच दैट इट्स सेंटर ऑफ फोकस लाइज ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट. अब हम बात करते हैं कैथोड की जो कॉन्केविटी है उसका जो रेडियस है उसको हम इस प्रकार रखते हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ फोकस होगा वो टारगेट की सरफेस पे होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा टारगेट की सरफेस पर हो सके, इलेक्ट्रॉन्स ट्यूब के अंदर फैले नहीं. द फेस ऑफ द टारगेट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द कैथोड नेक. अब जो टारगेट का जो फेस है
उसका उसको हम इस प्रकार रखते हैं कि वो 45 डिग्री एंगल बनाए कैथोड की एक्सिस के साथ, यानी कि कैथोड की जो नेक है उसकी एक्सिस के साथ टारगेट मटेरियल का 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। द ट्यूब मस्ट बी ऑलवेज लेस देन 0.001 mm ऑफ HD। अब हमने बात की थी कि ट्यूब के अंदर कुछ गैस रखते हैं, तो जो गैस होगी उसकी जो अमाउंट होगा वो 0.001 mm ऑफ HD से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन द गैस ट्यूब ए स्मॉल रेजिडुअल ऑफ एयर ऑलवेज लेफ्ट। अब गैस ट्यूब के अंदर हमेशा थोड़ी सी एयर प्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं गैस ट्यूब किस तरह वर्क करती है, यानी इसकी वर्किंग के बारे में। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलते हैं और एनोड पर जाकर टकराते हैं, यानी टारगेट मटेरियल पर जाकर टकराते हैं। अब हम बात करते हैं गैस ट्यूब की वर्किंग के बारे में। व्हेन ए हाई पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड द एयर इनसाइड द ट्यूब गेट आयनाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। जब हम कैथोड और एनोड के बीच में जो हाई पोटेंशियल है उसको हम जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ट्यूब के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस और इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स के प्रोडक्शन के लिए कोई भी मॉलिक्यूल या एटम की जरूरत होती है, और वो एटम और मॉलिक्यूल कैसे यहाँ पे आयनाइज होगा, जब हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा गैस ट्यूब के अंदर तो होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से एटम्स के मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होने लगेगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव एट हाई स्पीड टुवर्ड्स द एनोड एंड प्रोड्यूस एन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन विद एयर मॉलिक्यूल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हाई स्पीड के अंदर एनोड की ओर मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोड्यूस एन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स। अब जब ये एनोड की तरफ जाएंगे तो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप को प्रोड्यूस करेंगे, यानी होगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दूसरे एयर मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा और उसको कुछ एनर्जी देगा और उसको भी आयंस में आयनाइज कर देगा या फिर आयंस में कन्वर्ट कर देगा। अब होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर देगा, तो जो पॉजिटिव आयन होंगे वो क्या होंगे, वो वापस से अट्रैक्ट हो जाएंगे कैथोड से और मोर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे। The positive ion left are attracted to the cathode, release more many electrons. जो positive ion होगा वो क्या होगा, attract हो जाएगा cathode से और उससे और electrons release होंगे। When the electron stream strikes the target, heat and X-rays are emit. जब electrons के जो group है या फिर जो stream है वो target material पे strike करेगा तो heat और X-rays emit होंगी। The relation between the voltage applied to the tube and minimum wavelength of the X-rays emitted are given by Duhan and Hund's law. यानी कि जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं ट्यूब के अंदर और जो एक्सरेज जो मिनिमम वेवलेंथ की जो एक्सरेज मिल रही हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसे ड्यूवे और हंस ने एक लॉ के थ्रू बताया है। जो लॉ होता है लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 12.4 अपॉन KVP, यानी कि हम कितना हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अगर जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट ऑन कर दें तो हमें उस जो भी एक्सरेज हमें मिलने वाली है एमिट होने वाली है उनकी हमें मिनिमम वेवलेंथ पता लग जाएगी। यानी कि इस लॉ से हम ये पता कर सकते हैं कि एक्सरेज की वेवलेंथ कितनी है अगर हम यहाँ वोल्टेज की वैल्यू पुट करते हैं तो। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस ट्यूब, यानी कि गैस ट्यूब के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द डिग्री इवैक्यूएशन ऑफ द ट्यूब। अब जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है गैस का वो डिपेंड करता है कि गैस ट्यूब के अंदर कितनी वैक्यूम प्रेजेंट है। ए ट्यूब विथ मच रेजिडुअल गैस विल प्रोड्यूस एक्सरेज एट लोअर वोल्टेज। अब जो गैस ट्यूब के अंदर अगर थोड़ी भी गैस प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी, लोअर वोल्टेज की एक्सरेज को प्रोड्यूस करेगी। एज द वोल्टेज इंक्रीजेज आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ट्यूब के अंदर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो भी इंक्रीज होगा। कैसे, अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आयंस में कन्वर्ट करने की जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और आयंस से टकराएंगे तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा,
मॉलिक्यूल्स के अंदर एंड टारगेट मेल्ट्स, और जब ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा तो टारगेट मेल्ट हो जाएगा, द वोल ट्यूब मेल्ट मीन्स पिघल जाएगा, द वोल ट्यूब इज फिल्ड विथ वेपर टारगेट मेटल, और अब जो पूरी ट्यूब है उस वो पूरी ट्यूब टारगेट के मेल्ट होने के कारण क्या हो जाएगी, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि पूरे ट्यूब के अंदर वेपर भर जाएगा एंड मेकिंग द ट्यूब गैस, और ट्यूब क्या हो जाएगी, गैसी हो जाएगी। द एनर्जी ऑफ एक्सरेज आर, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज आर इंटरलिंक्ड, अब जो एक्सरेज की जो एनर्जी है और जो एक्सरेज की जो इंटेंसिटी होती है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। टू इंक्रीज द पेनेट्रेटिंग पावर इवैक्यूएशन हैज टू बी इंक्रीज व्हाइल अप्लाइंग द हाई वोल्टेज, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पेनेट्रेटिंग पावर इंक्रीज होने के साथ साथ इवैक्यूएशन भी, यानी कि वैक्यूम भी इंक्रीज होता है। कैसे होता है, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं गैस ट्यूब के अंदर तो क्या होगा, आयंस जो भी इलेक्ट्रॉन बनते हैं कैथोड पर वो क्या होंगे, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज होगी, और जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स टारगेट मटेरियल पर टकराएंगे तो वो ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर की एक्सरेज को प्रोड्यूस करेंगे। हैंस ए वैक्यूम पंप इज ऑलवेज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ऑपरेशन, इस प्रकार हमें वैक्यूम पंप की हमेशा जरूरत होगी इस ऑपरेशन को चलाने के लिए। सो द एपरेटस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, रिक्वायर्स मोर स्किल्स टू ऑपरेट, और अब जो अपरेटस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की जरूरत होगी। एट द एंड ऑफ ऑपरेशन फर्दर आयनाइजेशन इन द गैस ट्यूब टेक प्लेस विच प्रोड्यूस लो एनर्जी एक्सरेज विच इज नॉट रिक्वायर्ड, अब ऑपरेशन के एंड में होगा क्या, ये फर्दर आयनाइजेशन होगा क्योंकि गैस ट्यूब के अंदर कुछ गैस बची हुई है जिससे आयनाइजेशन होगा, एक दूसरे से टकराएंगे और लो एनर्जी की एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी जिनकी बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लो एनर्जी की एक्सरेज डायग्नोसिस के लिए यूजफुल नहीं होती है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।